दोस्तों देखिए, जो सैमसंग का सेट देख रहे हैं 40 इंच का, ये लोकल टीवी है देखिए। और इसमें पैनल का प्रॉब्लम है एक्चुअली। जो ब्लू बैक इसमें दिख रही है, ये ब्लू बैक नहीं है, ब्लू बैक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ये ब्लू जो है ये एक सिर्फ बैक आई हुई है, लेकिन इसमें कोई पिक्चर मीनू वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सिर्फ डिस्प्ले ब्लू दिख रही है, इसमें कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं आ रहा। ये देखिए, जब कोने में ध्यान से देखोगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, देखिए, जिससे पता लग रहा है कि इसमें पिक्चर नहीं आ सकता क्योंकि ये बाहर से है ओनली। और जब हम इसको दोबारा से स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और ये लोकल सेट, इसका नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, देखिए SM 4000, ये लोकल टीवी है। और दोबारा से इसमें दिखा देते हैं एक बार एक्चुअली प्रॉब्लम किस चीज़ का है, जिससे कि आपको भी फॉल्ट के बारे में अच्छे से कन्फर्म हो। और इस तरह का फॉल्ट यदि आपको कभी देखने को मिले तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो दोबारा से इसको एक बार स्टैंड में से रिलीज कर लेते हैं, देखिए। और प्रॉब्लम का आपको अभी इस टाइम क्लियर पता लगेगा, देखिए ऑन हो चुका सेट लेकिन पिक्चर नहीं आया। और आप देखोगे, देखिए साइड से ब्लू बैक ब्लू लाइंस आना शुरू हुआ है, देखिए। और धीरे धीरे ये ब्लू जो हमारा लाइंस है, ये जो जो ब्लू रंग का जो ग्राफिक्स बनता है स्क्रीन के अंदर, वो धीरे धीरे पूरा स्क्रीन में दिखाई देगा कुछ टाइम के बाद, देखिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ ग्राफिक्स बन रहा है, देखिए ये बनने से लगा है, बाकी लाइंस में भी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, देखिए। इस तरह का इसमें प्रॉब्लम है। और पैन को अभी ओपन कर रखा है मैंने, एक बार पैन का आपको एक बार डिटेल दे देते हैं कि कौन सा पैन है इसमें और कौन कौन सा सप्लाई इसमें मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, ये पैंडा का पैन है और यहाँ पर पैंडा लिखा भी आप देख पा रहे होंगे, जिसका नंबर है वो यहाँ पर मेंशन है LC3390TA2A-01, इसका नंबर है। और इसकी सप्लाई की बात करें तो विजुअल -6 वोल्ट, और जैसे AVDD, मतलब मैंने इस पर कुछ टाइम लगा के चेक कर लिया है, जैसे इसमें सप्लाई लगभग लगभग सभी मौजूद ही हैं। और ये देखिए, यहाँ पर 25 वोल्टेज VGH है, और यहाँ पर एक जगह पर VCOM और AVDD भी मौजूद है। मैं एक बार अच्छे से दोबारा से देख लेता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, पर 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर है AVDD 15 वोल्ट, देखिए ठीक है। पर ये मतलब सप्लाई सभी मौजूद हैं। तो इसको देखकर जो फॉल्ट का एस्टिमेट लग रहा है, जिस तरह का फॉल्ट हमको देखने को लग रहा है, और आपको भी कुछ ना कुछ अनुमान लगा होगा, तो हमको तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जैसे VGH या तो VGL गेट कॉफ की तरफ, साइड कॉफ की तरफ मिसिंग होने के काफ़ी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए पैनल को ओपन करना पड़ेगा, और इसमें पहले हमने चेक किया हुआ है कि इसमें गेट कॉफ मौजूद है। इसका एक छोटा सा जरिया भी है, जो यहाँ पर कुछ सिग्नल होते हैं कोने पर भी हो सकते हैं, वो स्केलर के जहाँ पर LVDS कनेक्टर लगा होता है वहाँ पर भी लिखे होते हैं AOE, कुछ ओ ई हो गया, एक XON, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए XON, इस तरह के सिग्नल होते हैं जो गेट को हम डेटा शीट चेक करते हैं उसमें मिलते हैं। तो वो सभी सिग्नल यहाँ पर मेंशन होते हैं, जैसे इस स्टिकर के नीचे हैं कुछ, तो यदि वो दिए हुए हैं तो मान लो इसमें साइड को ऑफ दिया है, थोड़ा सा अनुमान इससे भी लग जाता है। तो पहले हम इसको पैनल को अभी ओपन करेंगे, उसके बाद उसकी डेटा शीट निकालेंगे साइड कोफ की, उसके बाद उस पर देखेंगे कौन सी सप्लाई मिसिंग है, और आपको आगे इसके बारे में डिटेल देंगे। दोस्तों देखिए, हमने जो साइड कोफ दिया वो दो दिया है, देखिए दो इसमें गेट कोफ लगा है। और बात करें इसके डेटा शीट की, तो हमने निकाला है उसका नंबर, और इसका जो हमारा डेटा शीट है आपको वीडियो में मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट में लगा। और यदि गेट कॉफ का डेटा सेट चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको आसानी से हर इसका कॉफ का डेटा उसको आसानी से मिल जाएगा। तो बात करें इसके नंबर्स की, तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइम लगा के चेक किया, जैसे कि कुछ सिम्टम लग रहे थे फॉल्ट के, देखिए ब्लू बैक बन चुका है धीरे धीरे करके, तो उसमें लग रहा था कि इसमें जो सिम्टम हमने आइडियल अनुमान लगाया था उसी के हिसाब से हमने वही सप्लाई चेक किया, क्योंकि सिग्नल तो मिसिंग हमको नहीं लगा। यदि आपको पैन खोलने से पहले, जैसा कि आपको अनुमान लगाना है कि इसमें गेट कॉफ या साइड कॉफ है नहीं है, तो आपको सिग्नल देख लेना है,
क्योंकि जो सील सोर्स कॉफ में नहीं गेट कॉफ में जरूरी होता है वो उस पर मेंशन होता है एलवीडीएस के पास में। जो सिग्नल मैंने बताया था उसमें ओ ई एक ही हमको दिखाई दिया था, लेकिन इसमें कई फी सिग्नल होते हैं जो हमें डेटा शीट निकालने के बाद मुझे ध्यान आया क्योंकि कुछ ध्यान नहीं था उस टाइम, तो वो है सी के वी एस टी वी ओ ई। तो इस तरह के 3 से 4 सिग्नल होते हैं जो हर साइड कॉफ में अवेलेबल होने चाहिए और वो इसी साइड कॉफ में वर्क करते हैं। तो वहाँ पर सिग्नल जो मेंशन होता है उस स्केलर में आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें साइड कॉफ है नहीं है, तो इसे आसानी से पता लग जाता है। और इसके डेटा शीट के हिसाब से यहाँ पर साथ में मैंने मीटर रखा है, देखिए पैनल के ऊपर ही रख रखा है ताकि आपको साथ के साथ दिख पाए। यहाँ पर जो टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है ये वाला देखिए 5 नंबर, इन पर VGL सप्लाई होना चाहिए जो मैं अभी चेक करवा रहा हूँ। देखिए जो नेगेटिव लगभग 5 वोल्ट है मतलब ओके है। और एक यहाँ पर दो ही मैंने इस प्रिंट को घिसा है क्योंकि डाउट दो ही पर है, तो यहाँ पर VGL आना चाहिए राइट साइड में 4th नंबर जो प्रिंट टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर VGH आना चाहिए यहाँ पर मतलब 25 से 32 वोल्ट के आसपास इसके बीच में मिलेगा ये। तो यहाँ पर वो -3 वोल्ट ही है मतलब यहाँ पर VGH सप्लाई आ ही नहीं रहा और काफ़ी चांसेस है कि इसको देने के बाद हमारा फॉल्ट भी निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को अभी रोक लेता हूँ और यहाँ पर सप्लाई एक प्रोटेक्शन के थ्रू दे के देखते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन ज़रूरी है, गलत सिग्नल देने पर गलत सप्लाई देने पर हमारा डैमेज हो सकता है, लेकिन डेटा शीट के हिसाब से हमको काफ़ी कन्फर्म होता है। लेकिन फिर भी हमको रेजिस्टेंस यदि सप्लाई VGH है तो 10K और यदि VGL तो 1K यूज़ कर लेना चाहिए बीच में प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं पहले इसको VGL के सप्लाई को जम्पर लेता हूँ यहाँ पर देख के देता हूँ कि फॉल्ट हमारा निकलता है नहीं निकलता और आपके नेक्स्ट में डिटेल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने हाफ हिस्से को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो हमको स्केलर इधर करना है क्योंकि वहाँ पर सप्लाई को कनेक्ट करना है VGH को। VGH को हमने यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हाफ हिस्सा हमने बंद कर रखा है और हाफ हिस्से पे वर्क करते हैं क्योंकि उसको बाद में कनेक्ट करेंगे फॉल्ट निकलने के बाद। और ये देखिए एक VGH जो हमारी सप्लाई है उसको हमने कनेक्ट यहाँ पर जम्पर कर लिया है यहाँ से स्केलर में जो हमको कोने पर नज़दीक पड़ता है हमको वहाँ से सप्लाई उठा लेना है। देखिए यहाँ से हमने जम्पर किया और इसमें हमने प्रोटेक्शन दे रखा है और इसमें जो रेजिस्टेंस हमने यूज़ करके वो 10K का है। यदि कोई आगे शॉर्टिंग होगा तो सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यदि आगे कोई फॉल्ट नहीं होगा तो वो सप्लाई सही चला जाएगा। और अभी हम इसको टेस्टिंग करने वाले हैं तो फिलहाल इसको एक बार स्टैंड बाय से रिलीज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सेट स्टैंड बाय से अभी रिलीज़ है और एक बार हम देख लेते हैं कि कितना सप्लाई हमको मिलता है और कितना इसमें ड्रॉप होता है या नहीं होता। तो देखिए हाफ हिस्सा हमने बंद कर रखा है, वो वहाँ पर वाइट डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमने हाफ हिस्सा कट कर रखा है इसलिए ऐसा है। और ये इधर वाले हिस्से में सप्लाई चालू है और इधर हमको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वाइट नहीं आया और थोड़ी देर में ब्लू बैक जहाँ पर हमको ब्लू बैक जैसा दिखाई देता था तो उसी हिस्से पर हम वर्क कर रहे हैं। फिलहाल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने प्रोटेक्शन को मीटर के हिसाब से लिया ताकि आपको और मुझे भी पता लग सके कि कितना सप्लाई हमको मिल रहा है, कितना इसमें ड्रॉपिंग हो रहा है। देखिए 25 वोल्टेज हमने VGH को ले लिया है और इसको एक बार देख लेते हैं कितना सप्लाई बनता है, पिक्चर बनता है नहीं बनता है और कितना सप्लाई हमें ड्रॉप होकर मिलता है। साथ में मीटर पर भी दिखा रहा हूँ। देखिए तो दोस्तों देखिए हमको मीटर में देखिए सप्लाई हल्का सा ड्रॉप हो रहा है 25 से लगभग 16 वोल्टेज के आसपास बन रहा है 16 वोल्ट देखिए। और पिक्चर की बात करिए देखिए पिक्चर भी हमारा बन रहा है, देखिए ये देखिए नो सिग्नल बीच में दिख रहा है मतलब पिक्चर बन रहा है। और ये शॉर्टिंग नहीं है, यदि शॉर्टिंग होती तो ये सप्लाई 16 वोल्टेज की बजाय 0 हो जाता मतलब हमारा कफ अभी सही है और 10K का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई वैल्यू हो जाता है। यदि हम 1K यूज़ करेंगे तो इसमें ड्रॉपिंग बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन VGH सप्लाई में जैसे मैंने शुरू में बताया था VGH में आपको 10K लेना है और यदि आप VGL या अदर 3.3 वोल्ट वगैरह चेक कर रहे हो 3.3 वोल्ट आप डायरेक्ट देखे देख सकते हो या 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो जबकि VGL में आप 1K का तक यूज़ कर सकते हो, उसमें सप्लाई ड्रॉप नहीं होता। आगे फॉल्ट होगा तो ड्रॉप होगा। देखिए अनुमान लगाने के प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको कन्फर्म जैसे कि हमने अभी कन्फर्म किया है
एक ही सप्लाई मिसिंग है और फॉल्ट हमारा निकल जा रहा है। देखिए बीच में आपको नो सिग्नल भी दिख रहा होगा, देखिए एक मिनट, इधर वाली साइड जब नो सिग्नल आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नो सिग्नल आ रहा है, मतलब पहले में विदाउट बाईपास के हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसमें सिर्फ वी जी एच सप्लाई ही नहीं आ रहा, मिसिंग है। इस यहाँ पर से जो हमारे ट्रैक बने हैं उनमें सिर्फ वी जी एल मिसिंग है, तो वी जी एच सप्लाई ही हम देंगे। और उसको जंपर का मतलब ये है, प्रोटेक्शन मतलब ये है कि आगे कोई भी फॉल्ट नहीं है, इससे हमको काफ़ी कन्फर्म हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको एक बार बाईपास जंपर करके आपको आगे डिटेल देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जो सप्लाई बाईपास करना था वो डायरेक्ट बिना प्रोटेक्शन के बाईपास कर दिया है। और एक ध्यान रखें, जब इसको हम यहाँ पर जंपर करेंगे, ये देखिए जहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, वी जी एच हमने सप्लाई दिया है, वो काफ़ी गोलाई में होना चाहिए और हल्का सा कुरेदना है बीच में सेंटर में से। यदि आप आयरन को ज़्यादा देर तक लगाओगे, ज़्यादा देर हमने नहीं लगाना, मतलब टच ही करना है पेस्ट के साथ, और कोशिश करें अच्छा पेस्ट यूज़ करें, वाइट पेस्ट जो मोबाइल वर्क में यूज़ होता है, उस पेस्ट को पहले लगा लें, क्योंकि उससे क्या होगा, इसको ओवर हीट नहीं होगा ये, और हमारा कफ बच जाएगा। ज़्यादा टाइम इस पर लगा दोगे तो ये बर्न हो जाएगा कफ, और ये हमारा वर्क है जो जो हमारा टाइम लगाएगा वो वेस्ट चला जाएगा। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से बॉल बना लेना है, जिससे कि देखिए बिल्कुल हल्के हीटिंग के साथ। और जो हाफ हिस्सा था हमने वो भी ज्वाइंट कर लिया, ताकि पैनल इकट्ठा है, टोटली चेक हो जाएगा कि आगे कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो फिलहाल एक बार इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके देख लेते हैं कि हमारा फॉल्ट निकला है या कोई और प्रोसेस अभी करना पड़ेगा। देखिए सेट स्टैंड बाय से रिलीज है, और ये देखिए दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन था, जो हमने वर्क किया, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और सेट आपके सामने अच्छे से चल भी रहा है। देखिए कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर से अच्छे से वर्क करें, कोई लाइनिंग या कोई भी और फॉल्ट अभी नहीं है। देखिए नया सिग्नल अच्छे से आ चुका है। और दोस्तों देखिए, जो सिम्टम हमने शुरू में देखा था, जो हमारा अनुमान था, वो काफ़ी क्या 100% वो श्योर थे हम और सही निकला है। और जो इसमें गेट कफ हो या ना हो, है या नहीं है, उसका अनुमान हमने पहले ही एस्टिमेट से पता लग जाता है। कैसे हमको देखना है वो हमने इस वीडियो में डिटेल दे दिया है, कवर कर दिया। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी फॉल्ट को कवर किया है, डिटेल्स देने का कोशिश किया है, ताकि इस तरह कुछ भी सिम्टम आपको दिखे तो किस तरह से आप उस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट, इस तरह की वीडियो मैं हमारे चैनल पर समय समय पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।